देश में जो नई राजनीति की शुरुआत हुई है आप आदमी पार्टी के नेतृत्व में, हम जैसे जन आंदोलन के साथी चाहते हैं कि आप आदमी पार्टी किसान, मजदूर, आदिवासी और दलित लोगों की जो समस्या है उनको हल करने के लिए एक नई राजनीति के साथ नई विकास की नीति की जरूरत है। आम आदमी पार्टी उस तरफ से अभी जा रहा है, तो इसके जो लेकर उड़ीसा में अभी जो मौजूद भ्रष्ट राजनीति है उनके खिलाफ आम राजनीति, आम आदमी की राजनीति जरूरत है। और आम आदमी पार्टी अभी जो कैंपेन, जो अभियान शुरू की है, तो मुझे हमको लगता है उड़ीसा में भी एक नई राजनीति अनिवार्य है और लोग उसको अपनाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती है कि लिंगराज जैसे जन आंदोलन के नेता, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, तो उनको लोग, उड़ीसा के लोग देखते रहेंगे कि किस तरह वह पार्लियामेंट को, लोकसभा को जीत कर जाएंगे। क्योंकि कि ऐसे लोग जो लोग अपने पढ़ाई से छोड़कर जेएनयू की तरह उनके शिक्षा को छोड़कर समाज सेवा और राजनीति के आए हैं, और हमारे राज्य में जन्म हुए भारतवर्ष के समाजवादी नेता किशन पटनायक जी, यह बरगढ़ जेल से रहकर किसान आंदोलन को नेतृत्व देकर 1962 में जब लोकसभा चुनाव में जीत कर कांग्रेस को हरा कर वो गए थे पार्लियामेंट लोकसभा को, उनके जो इतिहास के उनकी भूमिका आज भी इतिहास में है और प्रेरणा दे रहा है। मुझे लगता है कि लिंगराज जैसे उम्मीदवार अगर जीत जाएंगे तो वे भी निश्चित रूप से पार्लियामेंट में देश के जनता की आवाज़ वहाँ वो उठाएंगे और उड़ीसा के बारे में ज़्यादा वहाँ प्रतिफलित तो होगा। और मुझे हम उम्मीद करते भी हैं कि उड़ीसा में लिंगराज के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी।